नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा जो लास्ट वीक ओबेसिटी का वीडियो अपलोड हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया था कि मैडम कुछ वेट बढ़ाने यानी कि वजन बढ़ाने के लिए भी कुछ डाइट प्लान के बारे में बताएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही डाइट प्लान के बारे में जिसमें जो तीन स्पेशलिटी आपको बहुत काम आने वाली है, जिसमें हम कोई भी दवा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, या फिर इवन कोई ऐसा सप्लीमेंट भी हम यूज़ नहीं करेंगे, तीसरी चीज़ कोई भी आप जो रेगुलर डाइट यूज़ करते हैं, जो आपके घर में भोजन बनता है, उसको आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये डाइट प्लान बहुत ही आसान है और इसको करने में आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस डाइट प्लान को दोस्तों बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक महीने में आप अपना 7 से 10 किलो वज़न आराम से बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप में वेट कम होने की परेशानी है और आप इससे बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप इसको पूरा ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वजन बढ़ाने के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी कैलोरीज। हमारे शरीर में जब कैलोरीज की कमी रहती है तो हमारा वजन प्रॉपरली बढ़ नहीं पाता है। लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों आपको आस पड़ोस में घर में बोलते हैं कि खूब सारा खाना खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फैट वाली खाओ तो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। तो ऐसा सुन के हम में से ज़्यादातर लोग ये करने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं, जंक फूड लेना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से हमारा वजन तो बढ़ता है लेकिन हमारे शरीर में इतने बैड फैट डिपॉजिट होने लग जाता है कि जिसके डिपोजिशन के वजह से हमें बहुत सारे बीमारियां होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी एक और पॉसिबिलिटी होती है कि हम वजन नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि जिन लोगों से हम डाइट प्लान लेते हैं, बहुत सारे आजकल डाइट प्लान्स अवेलेबल होते हैं, अगर आपको बोला गया कि आप ये डाइट प्लान फॉलो करिए, वो या तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं या इतना स्ट्रिक्ट डाइट आपको फॉलो कराई जाती है कि आप हार्डली हफ्ते भर 10 दिन तक लेते हैं और धीरे धीरे करके आप वापस छोड़ के अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं जिससे हमारा वजन नहीं बढ़ पाता। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, जो डाइट प्लान की बात करेंगे, आपको कोई भी अपना जो घर में रूटीन चल रहा है, जो खाना आप खाते हैं, आप वो बेशक खाते रहें, जो घर में बनता है खाना वो खाएं, उसके साथ आपको कुछ चीजें बस ऐड करनी है और आपके जो रेगुलर अमाउंट में कैलोरी चाहिए, जो प्रतिदिन के लिए आपको जितनी कैलोरी चाहिए अपने वजन को बढ़ाने के लिए, वो आसानी से बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपको अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो घर में बन रहा है उसको बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस उन तीनों ही चीजों के साथ जो चीजें मैं बता रही हूं आप उसको ऐड ऑन कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते की। नाश्ते में आपके घर में जो भी चीज़ें बन रही हैं वो आप लें, उसके साथ आपको क्या ऐड करना है, मात्र 2 केले, और उसके साथ साथ आपको एक ड्रिंक प्रिपेयर करना है। ड्रिंक में क्या, आपको 1 ग्लास दोस्तों दूध लेना है। दूध जो है वो फैट फ्री नहीं होना चाहिए, फुल फैट मिल्क लें तो आपको वो ज़्यादा अमाउंट में फैट को देगा। तो फैट फ्री नहीं होके फैट फुल मिल्क लें। उसमें आपको एक पाउडर प्रिपेयर करना है, वो डालना है, जो कि आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसमें 4 सीड्स हमें पाउडर में डालने हैं। ये 4 कौन कौन से सीड्स हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है सूरजमुखी के बीज यानी कि सनफ्लावर सीड, दूसरा हमको लेना है फ्लैक्स सीड यानी कि तीसी, तीसरी हमें लेना है सेसमी सीड यानी कि तिल, और चौथा हमें लेना है दोस्तों पम्पकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज। ये चारों बीज दोस्तों आपको आसपास कोई अच्छा अगर मेगा स्टोर होगा तो उन पे मिल सकता है, जो फॉर्चून शॉप होती है थोड़ी अगर बड़ी है, या फिर आप ऑनलाइन भी बहुत इजीली मंगा सकते हैं। बहुत सारे आजकल जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं या शॉप ऐप्स हैं उन पे ये सारे बीज आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। इन चारों बीजों को आप ले लें, आप इनको सेम अमाउंट में लें। आप सपोज कुछ दिन के लिए बना के रखना चाह रहे हैं तो आप 100 ग्राम्स के पैकेट ले लें। आप उन सबको एक साथ हल्का सा भून लें, सूखा भूनना है, कुछ तेल नहीं डालना है। आप कढ़ाई में सिंपली इसको डाल के ड्राई रोस्ट कर लें, हल्का सा जब रोस्ट हो जाए आप उसको ठंडा कर लें और मिक्सी में उसको पीस के एक पाउडर बना लें। इस पाउडर को आपको उसी 1 ग्लास दूध में रोज 2 बड़े चम्मच, लगभग टेबल स्पून की मैं बात करें, 2 टेबल स्पून सुबह में डालें, मिक्स करें। आप उस ग्लास दूध को आप रोज सुबह में लें और उसके साथ में 2 बनाना ले लें। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपके घर में जो नाश्ता बना है उसके साथ आप इन 2 चीज़ों को ऐड ऑन कर लें। लंच में आप जो चीज़ें लेते हैं उनको लें, बेशक उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। शाम के बस अगर आप थोड़ा सा कम खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा डाइट अपनी बढ़ानी शुरू करें कि आप चपाती अगर 2 खाते हैं तो 3 शुरू करें, 3 खाते हैं तो 4 करें, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी सी डाइट को बढ़ाएं।
इवनिंग में जो आप लोग यूजुअली चाय के साथ नमकीन बिस्किट ये सारी चीज़ें खाना खाना पसंद करते हैं, उसकी जगह पे आपको सिंपल पीनट लेना है, यानी कि मूंगफली लेना है और ग्राम लेना है, या फिर आप बोले चने, जो भुने चने होते हैं दोस्तों उनको आप इजीली ले सकते हैं। लगभग 100 ग्राम्स आप या तो मूंगफली के दाने ले लें या फिर आप 100 ग्राम चना ले लें, भुना चना जो आता है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि दोनों ले या एक इनमें से ले सकते हैं, या आप दोनों को मिक्स करके भी खा सकते हैं कंप्लीटली। ओके, तो उसका 100 ग्राम ले ले आप, हल्का सा उसको ड्राई रोस्ट करके आप इसको खाना शुरू करें। अपने चाय के साथ आप इसको लें, इसमें अच्छे से आपको बॉडी में कैलोरी भी जाएगी और फैट जो है आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट में, जो बिस्किट नमकीन खाने की वजह से आप फैट ले रहे थे उससे बहुत ही अच्छे से आप में जो अच्छा फैट है वो इनके थ्रू जाना शुरू होगा। फिर हम बात करते हैं अपने डिनर के टाइम की। डिनर के टाइम में आपको दोस्तों जो घर में खाना बना है आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप 100 ग्राम्स लगभग पनीर का सेवन करें। आप या तो हल्का सा उसको फ्राई करके खा सकते हैं या सब्जी बनवा के खा सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप वैसा पनीर लें। या फिर आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो 4 अंडे बॉयल करके लेना शुरू करें, बट उसमें आपको चारों में से मात्र एक का ही येलो पार्ट खाना है, 3 के येलो पार्ट को आप डिस्कार्ड करें, क्योंकि अगर ज़्यादा येलो पार्ट आप खाएंगे तो उससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ने लगेगा, आप में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ सकती है। इसलिए आपको फैट तो चाहिए लेकिन हेल्दी होना चाहिए, तो आप जो ऊपर येलो वाइट वाइट पार्ट होता है उसमें बहुत रिच अमाउंट में एल्बुमिन होता है, वो आपके लिए बहुत हेल्दी है, तो आप वाइट पार्ट को लें, येलो सिर्फ एक का लें, बाकी 3 के आप छोड़ दें और रात में इसको लें। खाना खा के अच्छे से वॉक करें ताकि आपका खाना सही से पचे और आपके शरीर में वो अच्छे से लगे, आप इसको कर सकते हैं। दिन भर में जो डाइट प्लान आप घर में लेते थे वो लें, आप कोशिश करें अपनी मील को स्किप नहीं करें। अगर आप कोई भी अपना एक टाइम का भोजन स्किप करेंगे तो आपके कैलोरीज आपके शरीर में प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी और आपका वजन नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे डाइट प्लान को आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया गया है, आपको कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करनी है, इसको आप इजीली अपने पुराने खाने के जो फॉर्म है उसी में ऐड कर लीजिए। और अगर आप रेगुलरली इसको 1 महीने तक ऐसे लेते हैं और आराम से आप दोस्तों 7 से 10 किलो वजन अपना बढ़ा सकते हैं, ना किसी महंगे सप्लीमेंट के और ना ही किसी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किए बगैर। सिंपली आप इसको करें और अपने वजन को बढ़ाएं, और अगर आपका वजन बढ़ता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपने विदाउट एनी साइड इफेक्ट अपने वजन को इतने अच्छे से बढ़ा लिया। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।